आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्रताप। तो पेश करते हैं एक रिपोर्ट। आप हैं शक्तिपुंज फाउंडेशन की संस्थापिका माँ प्रभा किरण जी। तो माँ प्रभा किरण जी, ये बताएं कि अभी जो लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां देश के सामने बदल गई हैं, करीब 10 करोड़ से अधिक लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, लोग एक एक दाना के लिए जो तरस रहे हैं, लोग एक एक पैसा के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे समय में कई लोग आत्महत्या को उतारू हो गए हैं और कई लोग आत्महत्या से कर भी चुके हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं अपने गांव जाने तक कई लोग बीच में ही जान गंवा चुके हैं, तो ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? शक्तिपुंज फाउंडेशन का जो निर्माण किया था मैंने, वो 20 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम चलाया था, सकारात्मक विचार मंच, पॉजिटिव थिंकिंग मिशन, जिसमें हम लोगों ने जो यूथ था उनको डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए काम किया था, जो तिहाड़ जेल में कैदी थे उनको डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए हमने काम किया। हम इस तरह से स्टूडेंट्स, महिलाओं को, घरेलू महिलाएं जो डिप्रेस हो जाती हैं उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस समय जबकि लॉकडाउन हुआ, इस समय कई चीज़ें हमारे सामने चैलेंज बनकर खड़ी हुई कि हम कैसे लोगों को मदद करें, किस तरह से मदद करें। एक्चुअली हम लोगों ने यह अच्छी तरह समझा कि जो भी है ये सारी सोच पे निर्भर करता है। कई लोगों से हमने इंटरव्यू लिए, बातचीत किया, उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हमें कोरोना हो गया है, वो दिमागी तौर पे स्वीकार कर रहे हैं कि हम बीमार हो रहे हैं। तो दिमागी तौर पे लोगों को मजबूत करने के लिए, मानसिक तौर पे उनको सबल प्रदान करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, एक पॉजिटिव थिंकिंग मिशन, एक सकारात्मक सोच लोगों के अंदर पैदा करने के लिए काम किया। इसमें हमने उन स्टूडेंट्स को भी लिया जो दिन दिन भर पबजी देखते हैं, उनको हमने मोटिवेट किया कि वो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं इंटरनेट पे और बड़े बड़े लोगों की जीवनियां हैं उनको देखें, उनको पढ़ें, और उसके लिए हमने एक प्रतियोगिता भी बच्चों के लिए क्रिएट की कि वो किस तरह से काम करेंगे। दूसरा, इस समय जो भूखमरी लोगों के बीच, मजदूरों का पलायन, इसको लेकर के हम लोगों ने उन लोगों के लिए बीच में जाके काम किया, जितनी जहाँ पे हमारे लोग, यूनाइटेड ह्यूमन राइट फेडरेशन के लोग जितना जहाँ पर मदद कर सकते थे उन लोगों ने किया, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लगातार, लोगों को उनका भोजन व्यवस्था, उनका जाने की व्यवस्था में थोड़ी बहुत जो भागीदारी हम लोगों से हो पा रही है हम अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे दिमाग में है कि जब ये लोग गांव में जाएंगे तो राज्य सरकारें जो हैं इनको गांव में ऋण देंगी, और ऋण दे करके ये इस तरह से अपना अपना काम धंधा शुरू करेंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि कॉरपोरेट ढंग से जो भी कच्चा माल उस स्टेट में, जिस भी स्टेट में उपलब्ध है, वो कच्चा माल लेकर के और वहाँ पे उस तरह के उद्योग उनको लागू किया जाए। अब जैसे कहीं तो इन्होंने क्या किया कि जो मरी हुई उद्योग थे, डूबे हुए उद्योग थे, उनको पुनर्जीवित करने के लिए MSME के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया है, और उसमें इन लोगों को समायोजित करने की बात की है। लेकिन जो ये MSME के अंतर्गत जो उद्योग हैं उनको लागू करने में, चालू करने में, उनको ठीक होने में, वो लोग ऋण लेंगे फिर उनको ठीक करेंगे, तो इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, और 6 महीने तक ये मजदूर जो कि गांव में जा रहे हैं ये तुरंत कैसे काम करेंगे, इस बात को लेकर के हम लोगों ने बहुत बड़ी रिसर्च की, बहुत लोगों से बातचीत की, कई बुद्धिजीवियों से, जर्नलिस्टों से, कई ऐसे लोगों से बात की। इस समय हमें राजनीति और इन सब से परे हट करके इनको कैसे समायोजित किया जाए इस बारे में सोचना है। अब इन मजदूरों को हम कहते हैं कि इनको छोटे छोटे 10-12 गांव के बीच में उद्योग लगा करके, जो जहां पर जनसंख्या के आधार पर उद्योग लगा के सरकार की उसमें भागीदारी हो,
जैसे मैंने उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा एजेंडा बनाया कि हम वहाँ पे उत्तराखंड में हर जगह मिनरल वाटर के झरने हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में पानी ये मिनरल वाटर की बोतलें हैं बाहरी राज्यों से आती हैं। क्यों क्यों क्या पानी को लेकर के एक राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकता है? इस समय मौका है। एक और वो पलायन की त्रासदी की बात करते हैं कि गाँव के गाँव खाली हो गए, लोग गाँव को छोड़ कर चले गए। और अब जबकि लोग गांव में आ चुके हैं, उनको सुनहरे सपने दिखा रहे थे, सरकार की हजारों चाल कई कार्यक्रम चल रहे थे उनको वापस लाने के लिए। अब मौका है कि उन कार्यक्रमों को किया जाए जो लोग गांव में वापस लौटे हैं। तो इस समय सरकार की पूरी पूरी भागीदारी होनी चाहिए, सरकार की पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, और सरकार को के कर्मचारियों को जनता के साथ जुड़ करके उनको घरों में जाकर कार्यक्रम दे। मैं तो कहती हूँ मोहल्लों में MSME के अंतर्गत जो स्फूर्ति कार्यक्रम है उसमें महिलाओं के लिए क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, क्या ऋण है। वो मोहल्लों में जाकर जिस तरह से जनधन खाते खोले ना, उसी तरह से कार्यक्रम भी दें। लोगों को पता ही नहीं है कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, कहाँ चप्पल घिसने हैं, फिर वो बिचौलियों के चुंगल में फंसेंगे और कुछ काम नहीं होगा, वो पैसा खा जाएंगे, उन तक कुछ पहुँचेगा नहीं, और इस तरह से सरकारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। अब इस बार मौका है कि सरकार के लोग कमर कस के जनता के बीच जाएं, उनको अपनी योजना और कार्यक्रम बताएं और उनको स्टैंड करें दोबारा से। एक हमारा ये क्वेश्चन ये है कि बहुत ही अच्छी कहावत है कि खाली पेट जो है न देशभक्ति होता है न ही कोई सकारात्मक विचार आता है। तो आप जो बता रहे हैं कि मैं सकारात्मक विचार लेके जा रहे हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि जो खाली पेट हमारे देशवासी बैठे हुए हैं, जिनका जिनका रोजी रोटी छिन गया है, वैसे लोगों के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, सरकार के पास क्या प्लानिंग है ताकि वो अपना आगे के लिए जिंदगी चला सके? अभी जो मैं बोल रही थी ना, उन्हीं लोगों के लिए बात कर रही थी। पहले जो सकारात्मक विचार थे उन लोगों के लिए थे जो कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में एक आदमी ने कोरोना के शक में छत में जाकर के आत्महत्या कर ली। कई लोगों ने, एक सैनिक ने, CRPF के जवान ने अपने को गोली मार दिया कि मेरे को कोरोना है। तो उन लोगों को बचाना, एक तरफ उनको बचाना, दूसरी तरफ इनकी जो जो ये भूख से और गरीबी से मजबूरी से हैं ये लोग, जिनके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं, इनके लिए तुरंत कार्य योजना लागू की जाए, कार्यक्रम तुरंत तैयार किया जाए। इनको मैं कहती हूँ 10,000, 15,000, 20,000 वेतन पे इनसे काम लिया जाए। इनको चावल आटा बांटने से बढ़िया है कि आप इनसे काम लो, ये स्वाभिमान की रोटी खाना चाहते हैं। मैं आपको एक मजदूरों का केस बताती हूँ जिनको कि लॉकडाउन के दौरान एक जीर्ण शीर्ण स्कूल में बंद कर दिया गया था और उन्होंने उस स्कूल में पेंट करके उस स्कूल को सजाया, और उनको जब उनका पैसा देने के लिए लोग गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्वाभिमान से जीते हैं, हमने जो खाया हम रहे, हमने यहाँ पे काम किया। तो उन लोगों को काम दो ना, तुरंत काम दो उन लोगों को, जिन राज्यों में उनकी छटनी करो और उनको वहीं पे काम दो। मैं तो ये कहती हूँ। नहीं, सरकार जो बता रहे हैं कि हम जो है करोड़ों रुपया जो है लोन दे रहे हैं बगैर गारंटर के, तो कहाँ आपको धरातल पर नजर आ रहा है आपको? नहीं, कहीं भी नहीं आ रहा। और अगर लोन मिल भी गया, लोन लेने वाला जो व्यक्ति है जिसको मदद पहुंचनी है, उस बेचारे को तो यही पता नहीं है कि कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, किसका गूगल, किसका इंटरनेट, उसको तो कुछ भी जानकारी नहीं है बेचारे गरीब आदमी को। जिसको ये आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को जिसको ये मदद करना चाहते हैं, वो उसको तो जानकारी नहीं है कुछ भी। ये सब बीच के लोग खा जाएंगे, इन तक कुछ नहीं पहुंचे। तो क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को, राज्य सरकारों को सर्वे करके जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई है, उनको सर्वे करके राहत, तुरंत राहत पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत राहत भी नहीं, मैं तो कहती हूँ तुरंत ग्रामीण स्तर पर कॉरपोरेट ढंग से कुछ कार्यक्रम शुरू किए जाए। जैसे अब जहाँ हथकरघा उद्योग है, जहाँ ये साड़ी बनती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की स्कीम्स हैं, कार्यक्रम हैं, उनको हम उनके अपना अपना क्राइटेरिया है, उन्होंने बनाया हुआ है कि क्या क्या हमारे कार्यक्रम लागू हो सकते हैं।
मैं क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ। अब उत्तराखंड में जो चीज़ें हैं, जैसे पानी है वहाँ पर, फल फ्रूट हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को तो लेकर के तुरंत कॉरपोरेट ढंग से लोगों को काम शुरू कर दिया जाए। हल्दी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, कई चीज़ों में उनको तैयार किया जाए और उनको पैसा दिया जाए, काम भी लिया जाए ना। ये थोड़ी की मदद के नाम पे उनको अपंग बना दिया जाए, घर में बिठा दिया जाए, ये तो नहीं चाहते। इस समय विपक्ष पार्टियां जो है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष की पार्टियां ये है कि वो कार्य योजना बना के सरकार को दे, अपने अपने जो भी विपक्ष में है या पक्ष में है, हर राज्य का ये कार्य होना चाहिए। हर विधायक को, मैं तो कह रही थी कि धर्म के अलावा, धर्म को छोड़ दो, अब हर विधायक को बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या क्या कच्चा माल उपलब्ध है, उनके डिबेट कराई जाए टीवी में, चैनलों में वो बातें उठाई जाए कि किस विधायक ने, किस सांसद ने क्या क्या स्कीम है, क्या क्या कार्यक्रम अपने क्षेत्र में वो लागू करना चाहता है और क्या हो सकता है, गरीब को कैसे रोटी मिलेगी, घर घर में कैसे रोजगार होगा, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर की जो बात है, इसके लिए विधायकों और सांसदों को आगे आना होगा और कार्य योजना, चाहे विपक्ष पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको इस बात को लेके धरना प्रदर्शन इस बात को लेके हो कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कीजिएगा। मैं माँ प्रभा किरण आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि RBM न्यूज़ इस समय सकारात्मक विचारधारा को लेकर के बहुत बड़े स्तर पे कार्य कर रहा है। RBM न्यूज़ को सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।